हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प करता है देन प्लीज लाइक माय वीडियो। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। और उसके साथ आपको एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब के बटन के बगल में बेल का आइकन दिख रहा है, उस बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको राज्य और राजधानी याद करने की ट्रिक बताने जा रही हूँ। राज्य और राजधानी तो आपने बहुत जगह पढ़ी होंगी कि किस राज्य की कौन सी राजधानी होती है, पर हिंदी में अगर आप कोई ट्रिक सोचते हो कि कैसे आपको याद रखना होगा कि 29 राज्यों की राजधानी आप कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए मैंने हर राज्य और राजधानी में एक ट्रिक अपने हिसाब से बनाई है। अगर आपको वो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केरल से। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो आप ये ले सकते हैं कि जैसे केला होता है, फल है, वो वन में नहीं उगता है, जंगल में नहीं उगता है, तो केला और वन, ठीक है, केरल से केला हो गया। और तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तो केला वन में नहीं उगता, केरल की तिरुवनंतपुरम, आपको वन में नहीं उगता, इससे वन तो याद रहेगा ना कि हाँ जो केरल की राजधानी होगी उसमें कहीं वन आएगा। तो आप ये देखिए, केला केरल की तिरुवनंतपुरम, तो इसमें वन आ रहा है ना, तो ये हो गई केरल की। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, पश्चिम बंगाल, और उसकी राजधानी होती है कोलकाता। तो अगर आप ये सोचिए कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप आप बाद में कर रहे हो, आप वो गलती क्यों करो, तो पश्चाताप आपको कल नहीं करना चाहिए। ऐसे पश्चिम बंगाल तो पश्चाताप, और कोलकाता तो कल, पश्चाताप कल नहीं करना चाहिए। आपको ये सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ऐसे आप ये सेंटेंस दो बार तीन बार सुनते हो, पश्चाताप कल, तो आपको ये याद रहेगा कि पश्चिम बंगाल का कुछ कल से है राजधानी, तो आपको वो कोलकाता वर्ड माइंड में स्ट्राइक करेगा एक बार, या फिर ऑप्शंस दिए होंगे तो बहुत ईजिली होगा याद करने में, ठीक है। तो पश्चाताप कल, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ठीक है। असम की देखिए, असम की दिसपुर, इसकी इजी है याद करने में कि असम मतलब आसमान और दिसपुर मतलब दिशाएं, ठीक है ना, आसमान और दिशाएं। तो आसमान में आपको दिशाएं नहीं पता चलती कि कौन सी दिशा किस तरफ है, किस तरफ उत्तर है, किस तरफ दक्षिण है, तो आसमान में दिशाएं नहीं पता चलती, तो असम की हो गई है दिसपुर, ठीक है, इसी वर्ड से मैंने लिया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ, उसका जो फैक्ट है वही एक इम्पॉर्टेंट है याद करने के लिए, जिससे आपको राजधानी याद रह सकती है कि आंध्र प्रदेश की जो राजधानियाँ हैं वो दो हैं, एक हैदराबाद और दूसरी है अमरावती। तो हैदराबाद जो है वो सिर्फ 10 सालों के लिए है, 2014 से 2024 तक, और 2024 के बाद हैदराबाद जो नहीं होगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी 2024 के बाद, ठीक है। तो आप इसी फैक्ट से याद रख सकते हो कि हाँ 10 साल के लिए हैदराबाद है 14 से 24 तक, और उसके बाद अमरावती है 24 के बाद, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए उड़ीसा से। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा से आपको याद रहेगा उड़ गया, अगर कुछ उड़ गया तो भगवान के पास चला गया, ठीक है ना, ऊपर चला गया ईश्वर के पास, तो भुवनेश्वर। उड़ीसा और ईश्वर आप ये याद रखिए, उड़ीसा उड़ गया, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में आपका ये वर्ड आ रहा है ईश्वर, भुवनेश्वर में ये वर्ड आ रहा है ईश्वर, तो मतलब उड़ीसा उड़ गया कुछ, तो फिर वो ईश्वर के पास चला गया, तो ये हो गई ईश्वर। उड़ीसा की राजधानी में ईश्वर आएगा, ठीक है ना, उड़ गया ईश्वर के पास चला गया, तो इसकी राजधानी हो गई है भुवनेश्वर। अब नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगर आपको उत्तर है, कोई उत्तर है आपके पास किसी प्रश्न का, तो वो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर, तो आप ये याद रखिए उत्तर को लिखना है, और लिखने से आपको ये वर्ड मिल रहा है लखनऊ, लिखना और लखनऊ इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या हो गया, उत्तर लिखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। अब आप कर्नाटक से नाटक वर्ड जो है वो निकाल सकते हैं, कर्नाटक, आपको साफ साफ लग ही रहा है कि इसमें नाटक वर्ड आ रहा है, तो नाटक है वो किसी बंगले में परफॉर्म किया जा रहा है, नाटक बंगले में हो रहा है, ठीक है ना, तो नाटक और बंगलोर, बंगला से बंगलोर हो गया और कर्नाटक से नाटक आ गया, तो नाटक बंगले में हो रहा है, तो कर्नाटक की क्या राजधानी हो गई, बंगलोर हो गई, ठीक है, नाटक बंगला, कर्नाटक बैंगलोर।
अब बिहार देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है, आप ये सोचिए कोई पिट गया है, मार पड़ी है, ठीक है, तो पिट कर वो बेहाल हो गया, पिट कर पिट से आ गया पटना और बेहाल हो गया ये बिहार, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि पिट कर कोई बेहाल हो गया, उसके हाल बहुत खराब हो गए हैं, तो पटना जो है वो पिट शब्द आ रहा है और बेहाल से ये बिहार शब्द आ रहा है, तो पिट कर बेहाल हो गए, तो बिहार की राजधानी हो गई पटना। ये वर्ड्स आप याद रखेंगे या फिर एक दो बार सुनेंगे तो आपको जरूर स्ट्राइक करेगा। गुजरात की गांधीनगर, अब गुजरात की गांधीनगर है तो ये आप याद रखिए, गुजर गए गांधी जी, गांधी जी गुजर चुके हैं, गांधी जी क्या है, गुजर चुके हैं, तो ये आपको याद रखे, गुजर गए गांधी जी, तो गुजरात में गांधीनगर। चलिए नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी होती है श्रीनगर। अब जम्मू कश्मीर श्रीनगर, आप ये देखिए कि जो जम्मू कश्मीर है वो उसमें हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना, बर्फ रहती है जम्मू कश्मीर में, ठंडी जगह है, तो इसकी राजधानी के लिए क्या सेंटेंस हो जाएगा, जम गया नगर, जो नगर जम गया हो, ठीक है ना, तो अगर कोई नगर जम गया है तो वो है जम्मू कश्मीर, जो जमा हुआ रहता है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो जम गया जम्मू कश्मीर हो गया और नगर श्रीनगर आ रहा है, तो आप उसको इससे स्ट्राइक कर सकते हैं, नगर जम गया है, मतलब हाँ जम्मू कश्मीर की कुछ राजधानी में नगर वर्ड आएगा, श्रीनगर हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होती है, तो इसके लिए देखिए तमिलनाडु में जो आपको साफ साफ वर्ड जो दिख रहा है वो है ये मिलना, मिलना ये वर्ड दिख रहा है ना, ठीक है, और चेन्नई मतलब आपको क्या वर्ड आ रहा है, चैन नहीं है, क्या है, चेन्नई, चैन नहीं है, मतलब अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको चैन नहीं होगा कि आपको मिलना है, मिलना है, इस बात में आपका मन रखा रहेगा, तो तमिलनाडु से चैन नहीं, चेन्नई, साफ साफ याद आएगा, आप हमेशा कभी याद करोगे तमिलनाडु, मिलना, चैन नहीं, तो हाँ चेन्नई राजधानी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, क्या है, अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, ताला अगर आप बंद करो तो पूरा ताला बंद करो, ठीक है ना, पूरा ताला बंद करो, अब ये त्रिपुरा में पूरा वर्ड आ रहा है और तल्ला, इसको साफ साफ को लग रहा है अगरतला में ये ताला आ रहा है, ताला वर्ड की एक प्रोनाउंसिएशन आ रही है, तल्ला ताला, तो अगर ताला बंद कर रहे हैं तो पूरा ताला बंद करो, खोला मत छोड़ो, ठीक है ना, त्रिपुरा और अगर तल्ला, पूरा ताला बंद करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो आप ये सोचिए कि अगर कोई बच्चा है उसको सांप, नाग, आग आप जानते हैं सांप को बोलते हैं, तो अगर उसको नाग दिखता है तो वो डर जाता है, तो वो क्या बोलेगा अपनी माँ से कि कोई है माँ, कोई है माँ, ठीक है ना, क्या बोलेगा, कोई है माँ, नाग अगर देख लेता है, तो नागालैंड में कोहिमा, अब ये कोही, कोई है माँ, इसको आप मिलाइए तो ये वर्ड आ रहा है कोहिमा, ठीक है, तो नाग देख के क्या बोलेगा, नागालैंड कोई है माँ, तो कोहिमा हो गई इसकी राजधानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं पंजाब, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ राजधानी दो जगह की है, एक पंजाब की भी है और एक हरियाणा की भी है, तो इससे भी आपको याद रह सकता है कि चंडीगढ़ जो राजधानी है वो दो जगह की है, एक पंजाब की है और एक हरियाणा की, इसके लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया जिसमें दोनों के लिए ही आप राजधानी याद कर सकते हो, ऐसे एक हरा पक्षी है वो आपके पंजों पे चढ़ गया है, ठीक है ना, तो हरा पक्षी पंजों पे चढ़ गया, अब हरा पक्षी पंजों में चढ़ गया, हरियाणा के लिए देखिए हरा पक्षी वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, और पंजों के लिए ये है, पंजाब के लिए पंजों में, हरा पक्षी हरियाणा के लिए हो गया, पंजों के लिए हो गया पंजाब, और चढ़ गया मतलब चंडीगढ़, चंडीगढ़ चढ़ गया, एक जैसा वर्ड लग रहा है, तो हरा से आप याद रखिए कि हरियाणा, ठीक है ना, हरा पक्षी हरियाणा, पंजाब पंजों से पंजाब, मतलब हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है, चढ़ गया, चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है, चंडीगढ़, हरा पक्षी पंजों में चढ़ गया, तो इससे मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, तो आपके लिए एक सेंटेंस याद रखिए कि मड़ी की पूजा से फल मिलता है, अगर कोई मड़ी है उसकी पूजा करते हो आप तो आपको फल मिलता है, इसमें दो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, मड़ी और फल, इसका मतलब है कि मड़ी मणिपुर की राजधानी में कहीं फल जरूर आएगा, क्योंकि मड़ी की पूजा से फल मिलता है, इम्फाल आपको याद आ जाएगी कि हाँ इम्फाल है, ठीक है, मड़ी की पूजा से फल मिलता है, फल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल, अगर कोई मध्यम परिवार का है और तो उसको कोई पालने वाला नहीं है, ठीक है ना, आप ये सोचिए कि मध्यम परिवार का ज्यादा पैसे नहीं है तो उसको कोई पालने वाला नहीं है, तो वो मैंने इसमें हिंट बनाया है कि मध्यम जो है ये मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश मध्यम परिवार वाले, और भोपाल मतलब पाल, भोपाल का पाल इससे निकाला है, पालने वाला नहीं है, मध्यम परिवार वाले को कोई पालने वाला नहीं है, तो मध्यम से पाल आएगा। आप ये याद रखें कि मध्य प्रदेश मतलब मध्यम परिवार का है, उसको कोई पालने वाला नहीं है, मतलब पालना वर्ड कहीं पे आएगा उसकी राजधानी में तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा। अच्छा हाँ, भोपाल में पालना वर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, 18। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है, मुंबई, ठीक है ना। आपके लिए एक ये भी है कि महाराष्ट्र माँ से है और मुंबई भी माँ से है, और इसमें ये देखिए कि महाराष्ट्र से आप महा अलग कर सकते हैं, महादेव, ठीक है ना, महादेव शंकर भगवान है, तो महादेव को आप क्या चढ़ाते हैं, मावा चढ़ाते हैं प्रसाद में, तो महादेव को मावा चढ़ाते हैं, तो मावा, मुंबई से मैंने मावा वर्ड निकाला है, और महाराष्ट्र से महादेव, तो महादेव को मावा चढ़ाते हैं, मतलब कि जो भी राजधानी आएगी उसमें माँ वर्ड आएगा। यही एक ऐसी जिसमें एक ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी और जो प्रदेश दोनों ही माँ से स्टार्ट होते हैं, तो आपको तुरंत हिट हो जाएगा कि हाँ माँ वर्ड से कौन सी राजधानी शुरू हो रही है, मुंबई ही है ऐसा नगर जो माँ वर्ड से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो महादेव को मावा चढ़ाते हैं, महा से महाराष्ट्र और मावा से माँ से मुंबई। चलिए नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, शिलोंग है, मेघालय मतलब मैं घायल हो गया, ठीक है, मेघालय मतलब मैं घायल हो गया, तो मैं घायल हो गया, कैसे घायल हो गया, तो घायल होने के बाद मुझे क्यों घायल हुआ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ से लग गया, से लग गया, शिलोंग से आप देखिए ये मैंने निकाला है से लग गया, मेज से लग गया, कुर्सी से लग गया, तो मैं घायल हो गया, तो मैं घायल हो गया क्योंकि मुझे किसी चीज़ से लग गया, से लॉन्ग, शिलोंग मतलब से लग गया, तो इन दोनों का कनेक्शन लग रहा है कि मैं घायल हो गया क्योंकि मुझे से लग गया किसी चीज़ से, मेज से लग गया, तो आप इस से लग गया शिलोंग वर्ड निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। अब राजस्थान की जयपुर, ये दोनों आपस में बहुत ही मिलते जुलते हैं कि राजस्थान से राजा वर्ड आया और जयपुर से जय, तो कोई राजा है उसकी आप जय जयकार तो करोगे ही, या राजा की जय जयकार की जाती है, तो राजा की जय हो, राजस्थान जय हो, राजा निकला और जयपुर का जय हो, तो राजा की जय हो, इसमें दोनों का ही वो निकल रहा है कि राजस्थान का राजा और जयपुर से जय। चलिए नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, हिमाचल, इसमें आपको लग रहा है माँ चल, कोई कह रहा है कि माँ चलो, तो हिमाचल माँ चल, माँ चलो, और बोलता है बच्चा कि शिमला की सब्जी बना दो, शिमला बना दो, माँ चलो शिमला बना दो, तो आप इस चीज़ को याद रखो कि हमेशा जहाँ पर माँ चल आ रहा है, माँ चल तो शिमला बना दो, माँ चलो शिमला बना दो, तो उससे आपको तुरंत ही हिंट होगा कि हाँ इसकी राजधानी में तो शिमला आता है, एग्जैक्टली ही शिमला वर्ड राजधानी है, इस चीज़ को आप याद रखोगे जब भी हिमाचल प्रदेश आए, हिमाचल माँ चलो शिमला बना दो, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गई शिमला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम की है गंगटोक, सिक्किम के लिए आप ये वर्ड देखिए, साफ साफ सिक्का वर्ड निकल रहा है, कभी भी आप गंगा नदी होती है उसको आप, कोई भी नदी है वैसे मैं गंगा ले रही हूँ, तो आप वहाँ पर निकलते हो तो पुराने लोग क्या करते थे कि उसमें सिक्का डाल देते थे, नदी में सिक्का डालने का, गंगा में सिक्का डालने का एक रिवाज होता था, तो सिक्का कहाँ डाला जाता है, गंगा में डाला जाता है, सिक्किम की क्या हो गई, गंगटोक, सिक्का डालते हैं आप गंगा में, सिक्किम की हो गई गंगटोक। चलिए नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, मिजोरम आइजोल, ठीक है। अब जोरम से आपको लग रहा है क्या वर्ड आ रहा है, जुर्म, जोरम जुर्म, तो अगर किसी ने जुर्म किया है उसको जाल में फंसाया गया है, ठीक है, किसी जाल में फंसा दिया गया जुर्म करने वालों को, तो वो और फंसता चला गया, जुर्म और जाल ये दोनों वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं, आप कनेक्शन बना सकते हो, तो जाल और आइजोल, जाल और आइजोल भी मिल रहे हैं, और मिजोरम हो गया जुर्म, जुर्म करने वाले को जाल में फंसाया गया, या फिर किसी को जाल में फंसा दिया आपने, ये जुर्म है, तो मिजोरम से जुर्म निकला और आइजोल से जाल निकला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, जैसे आपने हिमाचल में माँ चल ये वर्ड निकाला था वैसे ही आप इसमें भी निकालोगे अरुणाचल में, अरे अरु से अरे और चल से चल, अरे चल, अरे चल नहीं तो ईटा मार दूंगा, अरे चल नहीं तो मैं ईटा मार दूंगा तुझे, तो अगर आप ये सेंटेंस को याद रखोगे एक दो बार कि हाँ आपको कोई रटना नहीं है सारे सेंटेंस को, आप इस वीडियो को दो बार तीन बार देख लोगे
तो आपको क्या हो जाएगा, या फिर कि ये सेंटेंसेस आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक करेंगे, तो अरुणाचल, अरे चल नहीं तो ईटा मार दूंगा, मतलब कि ये ईटा वर्ड कहीं पर भी उसकी राजधानी में आ रहा है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। चलिए गोवा की राजधानी क्या होती है, पणजी। गोवा से वर्ड साफ साफ निकल रहा है गांव, गोवा गांव, और पणजी से मैंने निकाला है पंडित जी, मतलब गांव में क्या होता है, गांव में पंडित जी होते हैं पूजा कराने वाले, ठीक है, तो गोवा से गांव और पंडित जी हो गए पणजी से, ठीक है, तो गांव में होते हैं पंडित जी, तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, पणजी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ऐसे उत्तर प्रदेश में आपने निकाला था कि उत्तर लिखना होता है, तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, उसी तरह उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड से भी मैंने उत्तर निकाला है, तो अगर किसी ने कोई उत्तर दिया और किसी को सुनाई नहीं पड़ा तो आप क्या बोलोगे कि अपना उत्तर आप दोहरा दो, उत्तर दोहरा दो, ठीक है ना। आप उत्तर से दो चीज़ें याद रखो, एक उत्तर लिखना है और एक उत्तर दोहराना है आपको, तो दोहराना से आपको याद आ जाएगा कि दोहरा दो, ये वर्ड किससे मैंने निकाला है, देहरादून, दोहरा दो, देहरादून दोहरा दो, मतलब उत्तर दोहरा दो, तो उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की है रायपुर, ठीक है। अगर आपको कोई राय लेनी है, कोई भी चीज काम करना है, तो आप उसके लिए 36 लोगों से राय लेते हो, ये कहावत की तरह बोला जाता है, क्या 36 लोगों से राय लोगे आप, तो आप इसी सेंटेंस से ही याद रहेगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में राय आएगा, 36 लोगों से राय लोगे, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में राय आएगा, मतलब छत्तीसगढ़ की क्या हो जाएगी, रायपुर। चलिए नेक्स्ट है झारखंड, झारखंड की राजधानी होती है रांची। झार से मैंने निकाला है झाड़ू, और रांची को आप ये वर्ड लिया है चाची, ठीक है, तो अगर कोई मतलब ये सोच सकते हो कि झाड़ू चाची लगा रही है, कौन लगा रहा है झाड़ू, झाड़ू चाची लगा रही है, तो झाड़ू झारखंड और रांची चाची, तो आपको ये वर्ड ही मिलते जुलते लग रहे हैं कि झारखंड से झाड़ू, अच्छा झारखंड है मतलब झाड़ू कौन लगा रहा होगा, चाची लगा रही है, तो चाची से रांची वर्ड आ गया, तो झारखंड की हो गई रांची। तेलंगाना, तेलंगाना की हैदराबाद, और इसके पहले आपने वो भी देखा था कि आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद थी, मगर हैदराबाद अभी है, बाद में हैदराबाद आंध्र प्रदेश की नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, तो आप ये देखिए तेलंगाना से मैंने तेल वर्ड निकाला और हैदराबाद से हैदराबाद दरबार, ये वर्ड निकाला है दरबार। अगर तेल आप कहाँ चढ़ाते हो, शनिदेव के दरबार में चढ़ाते हो, तेल जो चढ़ाया जाता है वो शनिदेव को चढ़ाया जाता है, तेल शनिदेव के दरबार में चढ़ाओ, तो तेलंगाना में दरबार कहीं आएगा, ठीक है, तो हैदराबाद दरबार, हैदराबाद तेल शनिदेव के दरबार में चढ़ाओ, तो तेलंगाना से हैदराबाद, हैदराबाद में दरबार आ रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, वो आपको सिर्फ एक इजी कर सकता है याद करने में, और आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि अगर आप इनको 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो आपके मन में ज़रूर आएगा, फिर आप एक कॉपी पेन लेकर एक तरफ राज्य लिख लेना और उसकी राजधानी लिखने का ट्राई करना, आपको उसमें से अगर आप फर्स्ट टाइम देखते हो वीडियो तो आपको 29 जो 29 राज्य हैं उनमें से मेरे ख्याल से 15 की या 12 राज्यों की तो एक बार में ही याद हो जाएंगे, आप लिख सकते हो, उसके बाद जो बचते हैं उनकी आप एक बार और वीडियो देखो, फिर आपको पूरे ही कंफर्म हो जाएंगे, एक दो आप मिस करोगे वरना आपको सब कंफर्म हो जाएंगे, ओके। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।